स्वागत है आपका चैनल टेली खजाना में। मैं हूं आपका यारों का यार होस्ट राहुल भोज। जैसे जैसे फिल्म ब्रह्मास्त्र नजदीक आ रही है, अभी परसों ही रिलीज है दोस्तों, वैसे वैसे ब्रह्मास्त्र के बारे में चीजें जो है सोशल मीडिया पे एक अलग तरीके से चल रही हैं। जी हाँ, यहां पर मैं बात करना चाहता हूं कि केआरके और ब्रह्मास्त्र का कनेक्शन जो कि सोशल मीडिया पे काफी ज्यादा चर्चा का विषय बना हुआ है। आप लोगों को तो पता ही है कि सोशल मीडिया पे मेरी एकदम बाज की तरह निगाहें रहती हैं। जो कुछ भी चल रहा होता है, जिस तरीके का चल रहा होता है, मैं आपको हर एक बात बताता हूँ। अब यहाँ पर ब्रह्मास्त्र को लेकर एक बड़ी बात कही जा रही है कि मिस्टर करण जौहर ने ब्रह्मास्त्र के नेगेटिव रिव्यू ना आए इसके लिए केआरके को जेल में डलवा दिया है। ये बात सोशल मीडिया पे जब आई, आप लोग अगर चेक करते हैं सोशल मीडिया तो देख लीजिएगा, तो बड़ा ही हड़कंप मच गया और दो गुट बन गए हैं। बाय द वे, कुछ लोग हैं जो कि केआरके को सपोर्ट भी कर रहे हैं, कुछ लोग हैं जो कि केआरके को सपोर्ट नहीं कर रहे, कह रहे हैं कि जो हुआ वो अच्छा हुआ। करण जौहर ने अगर सचमुच में पैसे देकर उसे जेल डलवाया है तो एकदम से सही डलवाया है। दोस्तों, केआरके की अगर बात करें तो जब कभी भी फिल्में आती थी तो वो अक्सर उनकी बैंड बजाते थे। अच्छी अच्छी फिल्मों को भी वो रद्दी रद्दड़ ये तरीके से बोलते थे और कहते थे कि इसका बिजनेस बेकार होगा, ये महावाहियात फिल्म है, बकवास फिल्म है, बोगस फिल्म है, ऐसा वैसा। इनफैक्ट RRR के लिए उन्होंने ऐसी बात कह दी थी। खैर, वैसे दोस्तों आपको बता दो दोस्तों, तो केआरके जेल में है इस वक्त और लगभग 12 दिन की उनको जेल मिली है। अब देखते हैं कि ब्रह्मास्त्र के रिलीज के बाद ही आएंगे, कब आएंगे, क्या होगा, हमें नहीं पता। लेकिन यस, वो जो है इस वक्त ब्रह्मास्त्र नहीं देख पाएंगे। ऐसे में सोशल मीडिया पे लोग कह रहे हैं कि केआरके ऑनेस्ट हैं, केआरके जो है वो ऑनेस्ट तरीके से बोलते हैं, इसलिए बॉलीवुड वालों को मिर्ची लग रही है। ये शायद बॉयकॉट गैंग वाले हैं जो केआरके को सपोर्ट कर रहे हैं। खैर, वैसे बॉलीवुड गैंग भी है, मतलब कि बॉलीवुड वाले भी हैं जो कि बॉलीवुड को सपोर्ट कर रहे हैं, और ये अच्छी बात है क्योंकि हमारी फिल्म इंडस्ट्री जो बॉलीवुड है, जिसने हमें इतनी अच्छी अच्छी फिल्में दी हैं, इतने अच्छे अच्छे गाने, इतनी अच्छी अच्छी चीज़ें दी हैं, तो उनको कुछ चीज़ों को लेकर बॉयकॉट करना, वो भी फिल्म न देखने से पहले, ये कहाँ की समझदारी है। खैर, वैसे देखते हैं कि अब क्या होता है, कि क्या वाकई केआरके का जेल जाने के पीछे कोई साजिश है या फिर सीधे तौर पर 2020 की बातें हैं। आपको क्या लगता है कमेंट करके जरूर बताएं। बने रहें चैनल के साथ। बाय बाय।